तो और भाई लोग, क्या हाल चाल है। आज मैं आपको दूंगा GTA 5 HD ग्राफिक्स मोड पैक। अब बेसिकली गाइज यार, इस मोड पैक के अंदर आपको GTA 5 के ग्राफिक्स मिलेंगे। ये तो एकदम कॉमन सी बात है और एकदम यूजुअल सी बात है, आपको पता है मिलेंगे ही, बिकॉज यार मोड यार उसी के ऊपर बेस है, तो ये चीज़ तो मिलने वाली है। और गाइज इसके अंदर आपको ढेर सारे चीट कोड मिलेंगे, ढेर सारी गाड़ियाँ मिलेंगी। दोबारा यार ये बात एकदम कॉमन सी है, मतलब ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है यार इस बात के बारे में, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया बिकॉज यार ये मेरा फ़र्ज़ है। एंड गाइज यार ये जो मोड है इसको बनाया है JKY गेम्स ने, तो उनका चैनल का लिंक मैं आपको दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप लोग देख लेना उनका चैनल। मुझे पता है कि आप लोग सब्सक्राइब तो ना उनका चैनल करोगे ना किंगर वाइटी करोगे, लेकिन मेरा फ़र्ज़ है बोलना यार, तो करो यार जल्दी से जाकर सब्सक्राइब। और आपको मैं बताता हूँ कि यार ये मोड उन्हीं फ़ोन में काम करेगा जिनके फ़ोन में GTA San Andreas गेम पहले से होगी। अगर आपके फ़ोन में नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, मतलब बहुत अच्छी बात है, तो यार आप लोग डाउनलोड कर लो। अगर नहीं है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया अपनी वीडियो का, अगर है तो एकदम उत्तम, एकदम अच्छी बात है, तो बस रहने दो उसको वैसे ही। और आपको मैं बोलूँगा इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो बेल आइकन को क्लिक, क्योंकि आपका भाई रोज़ाना आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आता रहता है, आपको हर एक चीज़ बताता रहता है। और मेरे कुछ सब्सक्राइबर भाई कहते रहते हैं कि भाई जल्दी जल्दी मोड डाला कर जल्दी जल्दी, तो भाई यार मोड बनाने में टाइम लगता है, मतलब मैं आपको यार अपने मोड्स तो देता ही रहता हूँ जो किंगर वाइटी के नाम से बनते हैं, लेकिन जो दूसरे मोड्स बनाते हैं, जो दूसरे गेमर्स, जो दूसरे यूट्यूबर्स, उन्हीं के मोड भी मैं आपको देता रहता हूँ, बिकॉज यार मुझे पता है कि आप लोगों को वीडियो देनी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप लोग बहुत पसंद करते हो वीडियो, तो आपको मैं सारे मोड्स देता रहूँगा किंगर वाइटी के और दूसरे यूट्यूबर्स के भी। तो बस यार अपना काम कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को, JKY को, सबको कर दो, और बस देखो मोड की इंस्टॉलेशन। मोड के इंस्टॉलेशन के लिए गाइज मैं यूज़ कर रहा हूँ Zed Archiver, आप भी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर है गाइज मोड, आप इस पर टच करो, उसके बाद एक्सट्रैक्ट हेयर पे टच करो, यहाँ पर ये मांगेगा पासवर्ड, तो इसका पासवर्ड है JKY गेम्स, मतलब यार एकदम कॉमन सा पासवर्ड है, जैसे कि किंगर वाइटी होता है वैसे ही इन्हीं का पासवर्ड है किंगर वाइटी यानी कि KYT। तो यहाँ पर गाइज डन, उसके बाद ओके, और यहाँ पर हो जाएगी गाइज आपकी एक्सट्रैक्शन शुरू। और गाइज उसके बाद यार थोड़ी सी चीज़ें रीनेम करनी है, बेसिकली गाइज इस मोड के अंदर थोड़ी सी चीज़ें ज़्यादा रीनेम करनी है, मतलब यार ज़्यादा तो नहीं है, मतलब कुछ चीज़ें चेंज करनी है और थोड़ी सी टफ़ है, आपको दिखा देता हूँ गाइज़, मैं बोल के क्या बताऊँ, देख लो गाइज़ आप खुद। एक्सट्रैक्शन के बाद गाइज़ आपका हर बारी की तरह फोल्डर बन जाएगा ये वाला com.rockstar वाला, तो गाइज़ आपने इस पे टच करना है, उसके बाद फाइल्स पे जाना है, और उसके बाद गाइज़ TextDB, और यहाँ पर गाइज़ आप लोग देखो आपको तीन फोल्डर करने हैं रीनेम हर बारी की तरह, पहले का नाम है GTA 3, उसके बाद है GTA INT, उसके बाद है TXD। तो गाइज़ इसके अंदर थोड़ी सी चीज़ें अलग है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि गाइज़ आपने GTA 3 वाला ओपन किया, अब गाइज़ यहाँ पर ये जो top 3 स्क्रिप्ट है ना यार, यहाँ पर लिखा हुआ है ETC, आप लोग देख रहे हैं बीच में ETC लिखा हुआ है, मतलब अगर आपके फ़ोन में GPU है माली तो आपको गाइज़ इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं करना है। लेकिन गाइज़ अगर आपका फ़ोन का GPU है Adreno, तो गाइज़ आप इसको रीनेम कर दो, यहाँ पर गाइज़ आप लोग डाल दो DXT, Adreno वाले डालेंगे गाइज़ DXT, माली वाले कोई चेंज नहीं करेंगे, और PowerVR वाले डालेंगे यहाँ पर PVR। तो गाइज़ मेरे फ़ोन का है Adreno, तो गाइज़ मैं यहाँ पर DXT डाल देता हूँ। सो गाइज़ ये हो गया मेरा GTA 3 वाला फोल्डर रीनेम, आपने बैक आना है, उसके बाद GTA INT वाला ओपन करना है। अब गाइज़ यहाँ पर आप लोग देखेंगे, यहाँ पर ये देखो तीन स्क्रिप्ट हैं DXT वाली यानी कि Adreno वाली, नीचे तीन आपको माली वाली मिल जाएंगी, और इसके नीचे PowerVR वाली। तो गाइज़ आपके फ़ोन में जो वाला GPU है गाइज़ आपने वो वाली तीन स्क्रिप्ट रहने देनी है, बाकी सारी डिलीट कर देनी है। जैसे कि गाइज़ मेरे फ़ोन में Adreno है, तो गाइज़ ये देखो top 3 जो स्क्रिप्ट हैं यार वो Adreno वाली हैं, तो बाकी मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ये देखो गाइज़ मैं सारी की सारी बाकी डिलीट कर देता हूँ, आपने भी गाइज़ ऐसी करना है, मतलब अगर आपके फ़ोन में माली है तो गाइज़ आपने माली वाली रहने देनी है और बाकी सारी डिलीट करनी है। इसीलिए गाइज़ मैं बोलता हूँ आपको वीडियो पूरी देखा करो, बिकॉज हर बारी यार थोड़ी बहुत एक्सट्रैक्शन अलग होती है। तो यहाँ पर GTA INT वाला हो गया, अब गाइज़ आपने जाना है TXD पे, और यहाँ पर भी गाइज़ आपने उसी तरह का चेंज करना है, मतलब अगर आपके फ़ोन में माली है तो गाइज़ आपने रहने देना है ऐसे ही, अगर आपके फ़ोन में DXT है यानी कि Adreno है, तो गाइज़ आप इसको रीनेम कर दो यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ DXT। तो गाइज़ ये हो गया मेरा TXD वाला फोल्डर, और उसके बाद गाइज़ आपने बैक आना है और एकदम बाहर आ जाना है। अब गाइज़ ये वाले फोल्डर को आप यहाँ से कॉपी करो या फिर कट कर लो, कॉपी, और उसके बाद गाइज़ जाओ डिवाइस मेमोरी, उसके बाद गाइज़ एंड्रॉयड, उसके बाद डेटा, और यहाँ पर आप इसको पेस्ट कर दो, उसके बाद अप्लाई टू ऑल फाइल्स, रिप्लेस, और हो जाएगा। और उसके बाद गाइज़ आप चलाओ अपनी गेम, कोई चिंता ना करो। सो गाइज़ यहाँ पर आपने नो OBB पर टच करना है, और उसके बाद गाइज़ ये देखो आप हमारी स्टार्ट न्यू गेम कर लेते हैं। और उसके बाद गाइज़ मैं आपको बताता हूँ आपने कहाँ से चीट कोड लगाने हैं, कैसे लगाने हैं, यार ये आपकी प्रॉब्लम बहुत बड़ी रहती है, मतलब आपको समझ नहीं आता कैसे चीट कोड लगाने हैं, तो भाई आज मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग भाई हो हमारे, आपको यार बताना हमारा फ़र्ज़ है। तो यहाँ पर आ गया गाइज़ बाय JKY गेम्स, मतलब JYK, पता नहीं क्यों निकल रहा है मेरे मुँह से, पता नहीं क्या है।
और यहाँ पर हम इसको स्किप करते हैं। और गाइज़ ये देखो हमारा आ गया प्लेयर, थोड़ा आगे लेके जाते हैं हम इसको। तो गाइज़ यार यहाँ पर चीट कोड लगाने के लिए आपने क्या करना है, आपने अपनी स्क्रीन के ऊपर टच करना है और उसको नीचे की तरफ स्लाइड करना है। तो यहाँ पर गाइज़ आ गए हम, तो नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा एकदम लास्ट वाला GTA 5 ग्राफिक्स। तो आप गाइज़ जैसे इस पर टच करोगे और उसके बाद बूम हो जाएगा, मतलब आपको यार यहाँ पर GTA 5 के ग्राफिक्स मिल जाएंगे। ये देखो गाइज़ हो गया। अब गाइज़ मैं आपको एक बेकार चीज़ बताता हूँ यार इस मोड की, जो कि मैं आपको पहले बतानी भूल गया लेकिन अब मुझे याद आई कि यार इस मोड के अंदर वैसे तो साउंड नहीं है, बट हो सकता है आपके फ़ोन में जब आप इस मोड पैक को चलाओ तो हो आपके फ़ोन में साउंड। पर पता नहीं क्या हुआ यार, जब मैं चला रहा था तो मेरे को तो इसके अंदर साउंड वगैरह कुछ नहीं मिली, तो पता नहीं कैसा है। लेकिन यार ये मोड पैक वैसे बड़ा सही है, आप लोग चाहे तो गाने सुनते सुनते इस मोड पैक को खेलो, मज़ा आएगा एकदम। और इसके अंदर आप चाहे तो कोई गाड़ी वगैरह चूज़ कर लो। ये देखो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, चॉप भी आपको मिल जाएगा यानी कि कुत्ता। ये देखो ये आ गया कुत्ता आपका, और कुत्ता इसमें अलग है, मतलब शेर वाला कुत्ता है। वाह यार वाह, अच्छी चीज़ है, मतलब शेर है यार, मैं कुत्ता कही जा रहा हूँ, शेर वाला कुत्ता, पता नहीं क्या क्या बोली जा रहा हूँ। अब ये कुत्ता देखना बैंड बजाएगा इन सब की, सबको मारेगा पकड़ पकड़ के, वो देखो पीछे से मार रहा है। अब गाइस बात करते हैं आज के फेवरेट कमेंट को लेकर। सो गाइज़ आज का भी फेवरेट कमेंट आ रहा है, वो आ रहा है क्षितिज भाई की तरफ से, और इन्होंने मुझे लिखा है थैंक्स फॉर ऑल योर वीडियोज़ किंगर वाइटी, तुम 100% रियल वीडियो बनाते हो। थैंक यू सो मच भाई यार, आप इतना सपोर्ट दिखा रहे हो और आप समझते हो कि मैं रियल वीडियो बनाता हूँ। लेकिन यार कुछ सब्सक्राइबर भाई पता नहीं क्या करते हैं, नीचे सीधा कमेंट करते हैं फेक, मुझे नहीं पता वो ऐसा क्यों करते हैं। हो सकता है उनके फ़ोन में मोड ना चलता हो, या फिर यार वो पता नहीं क्यों मुझे हेट कर रहे हैं, लेकिन चलो कुछ नहीं होता। पर यार उनको भी ये बात समझनी चाहिए कि अगर मैं 100 लोगों के लिए मोड बना रहा हूँ और उनमें से 99% लोगों के फ़ोन में वर्क कर रहा है मोड और 1% जनता के फ़ोन में नहीं वर्क कर रहा, तो हो सकता है यार उस जनता की गलती हो, मतलब 1% लोग गलत हो सकते हैं अगर 99% लोग सही हैं। पता नहीं क्यों नहीं समझते, लेकिन चलो कुछ नहीं होता। और हाँ गाइस, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, रियल एंड फेक। आप बस इस वीडियो को लाइक कर दो, बाकी सब छोड़ दो इस भारत देश के लिए, क्योंकि भारत देश महान मेरा।